स्थिति। राज्य में शनिवार को एक बार फिर बारिश व ओलावृष्टि हुई। चुरू में आंधी के बाद करीब आधे घंटे तक चने के आकार के ओले गिरे। अधेड़ से कई पेड़ वे बिजली के तार में पोल भी टूटकर जमीन पर आ गिरे। कोटिंग लोहे और टेंसिल आदि उड़ गए। वहीं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में ओले भी गिरे और अजमेर के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। अजमेर शहर में शनिवार को मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। शनिवार को शहर में 4 mm बारिश दर्ज हुई। हालांकि इससे पहले दोपहर में तेज धूप शहर खिलती रही, जिससे शहरवासियों को गर्मी महसूस हो रही थी। रात में भी मौसम पर यहाँ पर ठंडक थी। सूर्योदय के बाद धूप खिलने लगी। धीरे धीरे इसका प्रभाव तेज होने लगा। इस सिलसिले में दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद 3 बजे बादलों की गर्जना का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के कोटा, बैसल नगर और शास्त्री नगर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है। हालांकि बारिश का क्रम ज्यादा देर तक नहीं चला है, मगर सड़कें गीली हो गई है। बारिश के साथ ही चली ठंडी हवाओं ने मौसम को उष्णमा बना दिया है। शाम 5 बजे तक जहां तेज धूप का असर होता, वहीं ठंडक और ठंडी हवाओं का जोर रहा। वहीं बादलों की गर्जना का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री रहा। सुबह की आर्द्रता में 51, शाम की आर्द्रता में 90% रही। वही शुक्रवार के मुकाबले शनिवार में अधिकतम पारे में 1.1 की गिरावट और पारे में 20.8 डिग्री पर स्तर रहा। वही उदयपुर में पश्चिम विक्षोभ के चलते शनिवार को उदयपुर में भी मौसम ने पलटा खाया। तेज हवाओं के साथ शहर के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। मावली तहसील के भीमला के आसपास के गाँव में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में सुबह से छत्रीय बादल छाए रहे। दोपहर बाद बादलों की सक्रियता के बाद बड़ी शाम को 6 बजे करीब हवा का दौर शुरू हुआ। इस बीच बादल गरज और कई जगह पर हल्की बारिश भी हुई। राजस्थान में कोरोना से 3 और मौतें। 49 नए संक्रमितों के साथ राजस्थान का टोटल आंकड़ा पहुंचा है 2083। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना से 3 और मौतें हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 35 हो गई है। लॉकडाउन के दूसरे फेज के 11वें दिन 49 और नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। शनिवार को जयपुर में 15, जोधपुर में 10, अजमेर में 6, झालावाड़ और कोटा में 5-5, भरतपुर और धौलपुर में 2-2, डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 1-1 संक्रमित मिला है। उन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल 2083 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जयपुर के रामगंज इलाके में रहने वाली 65 साल की महिला की मौत हो गई है। महिला 23 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। 24 अप्रैल को रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा कोटा के मकबरा निवासी एक अन्य 32 वर्षीय युवक की मौत हुई थी। युवक को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से 22 अप्रैल को MBS अस्पताल में रेफर किया गया था। युवक 24 अप्रैल को उसकी मौत हुई है। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि तीसरी मौत जोधपुर में हुई, जहां रातानाड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक 65 वर्षीय वृद्ध ने उपचार के दौरान शनिवार को दम तोड़ा। उसे 24 अप्रैल को बुखार और सीने में दर्द की शिकायत थी। उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रदेश में कोरोना के दायरे में नए जिलों में चित्तौड़गढ़ में राजसमंद के साथ 28 जिलों तक कोरोना फैल गया है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार अब तक जयपुर में 792, जोधपुर में 326, कोटा में 149, टोंक में 15, अजमेर में 112, भरतपुर में 109, नागौर में 93, बांसवाड़ा में 61 और 61 कोरोना रोगी है। इसके अलावा झुंझुनू में 42 और बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33 और झालावाड़ में 29 और दौसा में 21, हनुमानगढ़ जिले में 10, अलवर में 7 और डूंगरपुर में 6 और उदयपुर में 4 और करौली में, धौलपुर में 3-3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में राजसमंद में 1-1 संक्रमित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंपल और ब्लैकलॉग खत्म करने के लिए 4,000 सैंपल्स दिल्ली की निजी लैब भेजे गए हैं। 24 से 36 घंटों में इनकी रिपोर्ट आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रदेश में अब तक 78,993 नमूनों में से 2,083 संक्रमित औरतों की पुष्टि हुई है, जबकि 71,806 नमूनों की जांच नेगेटिव आई है। अभी तक प्रदेश में 5,104 नमूनों की जांच प्रक्रियाधीन है। राजस्थान में कुल 2,083 संक्रमितों से तकलीफ जमात समेत 2,020 राज्य के हैं। वहीं
दो इटली के नागरिक और 61 ईरान से एयरलिफ्ट कर गए जोधपुर और जैसलमेर में लाए गए भारतीय नागरिक है। देश में दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश में लेजर थेरेपी के इलाज करने की तर्ज पर एसएमएस अस्पताल की ओर से डोनर तैयार करने के बाद सरकार ने संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के लिए ICMR से मंजूरी मांगी है। अनुमति मिलते ही ICMR उसका इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का SMS देश का पहला अस्पताल बन जाएगा। जयपुर अभी रेड जोन में है या नगर निगम क्षेत्र में दुकानें खोलने को लेकर अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है।